डिप्टी चेयरमैन सर, सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो आज मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दलितों को आदिवासियों को देने का निर्णय लिया, ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला। और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि SC ST OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए, और आज ये बिल आ गया है। बिल की चर्चा एक दिन में होती है, आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लेट क्यों लाया, तो चुनाव नजदीक आ गया है तो लेट बिल लाने की आवश्यकता थी। और चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो, हम भी करते हैं। तुमको जो करना है वो करो, तुमको जितनी टीका करनी उतनी करो, और अच्छा काम क्या करना है, 2-3 महीने में क्या क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है और मैं भी होशियार हूँ। लोगों को कैसा कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी 3 राज्यों में हार गए, 15-15 साल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार थी, लोगों को थोड़ा बदल करने की भावना होती है। और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था, तो वो बदल होना ही था। लेकिन तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दे दी है, आपको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई 2019 में ये नहीं आएगी वो नहीं आएगी, तो आप कैसे आएंगे, हम नहीं आएंगे तो आप कैसे आएंगे। मतलब आएंगे मतलब पार्टी और सपा और बसपा एक साथ आए हैं, 3 मिनट हो रहे हैं प्लीज। सपा बसपा एक साथ आए, अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे, उन्होंने एक साथ रहना चाहिए था लेकिन वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आया है, अभी साइकिल पर हाथी बैठता है कि नहीं, मतलब जो भी है, लेकिन आप लोग आए गए, ठीक बात है, आप कोशिश करो।
उत्तर प्रदेश में आप लोग नागर जी कृपया उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। अगर बसपा अगर सपा के साथ चली गई है तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक जमाना था कि हमारे आरपीआई के चार मंत्री थे, हमारा था वो हाथी सिंबल आपके पास आया है और हाथी मेरे तरफ देख रहा है, उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है कि भाई मंत्री बन गए इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। देखते आपकी पार्टी बड़ी है, मेरी पार्टी छोटी है। हमारी पार्टी मिश्रा जी आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है, और दलित और ब्राह्मणों का जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था तब मैं बोलता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया है, ब्राह्मण ने बवाद का विरोध किया है। और इसीलिए मतलब आप लोग अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं, अच्छी बात है, आप लोग कोशिश करो। मैंने आप लोग बीजेपी के साथ मायावती जी के बारे में हमको आदर है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हमारी बहन है, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर है, चार बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मिश्रा जी तीन बार बीजेपी का सपोर्ट लेकर मायावती मुख्यमंत्री बनी। मानी अठवाले जी इधर देखे, मानी अठवाले जी चेयर की तरफ देखकर बोले और बात खत्म करें। आपके तरफ भी मुझे बात खत्म कर, आपके तरफ बात खत्म कर, थोड़ा थोड़ा इनके तरफ देखना पड़ेगा मुझे। कृपया अपने बात खत्म करें, समय मतलब नहीं, ठीक बात है। तो मायावती जी तीन बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी, इसीलिए मुझे लगता है कि भाई दलित विरोधी का नारा देना ठीक नहीं है। आप लोग तो दूसरा आरोप कर दीजिए, आज बीजेपी दलितों की है, बहुजनों की है, ये बिल में अल्पसंख्यकों को भी मतलब या ले लिया है, हिंदू हो क्रिश्चियन हो, कृपया कंक्लूड करें, अपनी बात कंक्लूड करें। कृपया आठवाले जी आप चेयर की ओर देखकर अपनी बात खत्म करें, अपनी बात खत्म करें, अपनी बात खत्म करें, कृपया अपनी जगह बैठे। आप चेयर की ओर देखकर अध्यक्ष करें, अपनी बात खत्म करें। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, कृपया कंक्लूड करें, दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा। कृपया अपनी जगह, अरे बीजेपी को आप मनुवादी समझते हो। अठवाले जी अपनी बात, अठवाले जी अपनी बात खत्म करें, समय समय पर्याप्त हो गया। मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ, श्री ऑनरेबल टीजी वेंकटेश, वन मिनट प्लीज। आपकी पार्टी समय ले चुकी है, लेकिन मैं पूरा आपको एक मिनट का समय देता हूँ, कृपया बैठ जाए। आपकी बात हो, कृपया बैठ जाए। और अभी आप कृपया बैठ जाए, ये बिल का बैठते आप, आपकी बात सिर्फ रिकॉर्ड पे जाएगी, कृपया बैठ जाए। प्लीज प्लीज चंद्रबाबू कृपया आप बैठ जाए, हो गए, आपने बहुत समय लिया, आप बैठ जाए।